हूं अर्जुन मिश्रा और आप देख रहे हैं एबी न्यूज़। देश भर में ओमिक्रॉन वेरिएंट ने तबाही मचा दी है और अब बिहार में भी इसके मामले सामने आने लगे हैं। वहीं पर स्वास्थ्य विभाग इस बात को लेकर के काफी सतर्क है और स्वास्थ्य विभाग मंडल पांडे का इसी बीच बयान जारी किया गया है। देखिए इस खास रिपोर्ट में। देश भर में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के बढ़ते मामलों के बीच बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का इस बीच बयान सामने आया है। मंगल पांडे ने ओमिक्रॉन मामले को लेकर जानकारी देते हुए कहा है कि कोरोना का यह पांचवा वेरिएंट है। उन्होंने बताया कि बिहार में अभी ओमिक्रॉन के मरीज नहीं मिले हैं और साथ ही स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने टीकाकरण पर जोर देते हुए कहा है कि कोरोना से बचने के लिए टीकाकरण जरूरी है, इसलिए सभी को टीका लगना चाहिए। स्वास्थ्य विभाग ओमिक्रॉन को लेकर सतर्क है और इसके लिए कई सख्त कदम उठा रही है। अरवल जिले में कोरोना का जांच के नाम पर हुए बड़े फर्जीवाड़े पर भी स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने बयान दिया है। उन्होंने बताया कि इस मामले में डाटा ऑपरेटर की ही गलती थी और इसके लिए डाटा ऑपरेटर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।